हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। जनरल साइंस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मात्र 10 मिनट में हम तैयारी करते हैं 20 क्वेश्चनों की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत करता हूँ लेक्चर की। पहला प्रश्न अपने पास है, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? दोस्तों, एक्स किरणें, आपको पता है ना, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्सरेज, रोन्जोन ने। रोन्जोन को जानते होंगे। एक्स किरणों क्या कहा जाता है? रोन्जोन किरणें कहा जाता है। इनकी जो होती है 0.1 nm। अब NM का मतलब मेरे को बता सकता है? NM का मतलब होता है नैनोमीटर, समझ गए? तरंग दैर्ध्य मतलब उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, कितनी उसकी दैर्ध्य होती है। रेडियो एक्टिविटा शब्द सर्वप्रथम किसने उपयोग में लिया? दोस्तों, रेडियो एक्टिविटा हेनरी बेकुरल, इन्होंने ही उपयोग में लिया था रेडियो एक्टिविटा शब्द। रेडियो एक्टिव ऐसे एक्टिव पदार्थ होते हैं जो अपने आप उनका सनन होता रहता है, अपने आप ही वो गढ़ते बढ़ते एक्टिवली रहते हैं वो। न्यूक्लॉन्स किसे कहते हैं? दोस्तों, नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? दैट्स ऑल को क्या कहते हैं? हमको हम उनको न्यूक्लॉन कहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। 99.985% हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे कहते हैं पोट्रियम कहते हैं। दोस्तों, इसके हाइड्रोजन के ये अपर रूप मान लीजिए, एक प्रकार से तीन होते हैं ये, पोट्रियम और डिटोरियम, इस प्रकार की है। रासायनिक बंध आबंध का इलेक्ट्रॉनिकी नियम किसने दिया था? दोस्तों, रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिक नियम दिया था, वो दिया था कोसेल और लुईस ने। इसका नियम दिया था कोसेल और लुईस ने। इनकी ट्रिक है कालू। किसने दिया था? कालू ने दिया था, कोसेल और लुईस। समझ में आ गई बात। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लुईस प्रतीक किसे निरूपित करते हैं? दोस्तों, लुईस प्रतीक जो है परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स को नियुक्ति करते हैं, यानी परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स को जो है नियुक्त करने वाले। अगला प्रश्न अपना है, किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों की बीच की साम्यवस्था दूरी क्या कहलाती है? यानी कि किसी परमाणु में नाभिक, जैसे ये परमाणु बहुत बड़ा होता है, इसमें ppm में होते हैं पार्ट्स पर मिलियन, इतने होते हैं सारे। अब इनमें जैसे ये नाभिक है, इन नाभिकों के बीच की जो दूरी है उसकी साम्यवस्था क्या कहलाती है? दोस्तों, उसकी साम्यवस्था है तो आबंध लंबाई कहलाती है, दोनों के बीच की आबंध लंबाई वो कहलाती है। साधारण निम्नतम ऊर्जा वाली संरचना किसे कहते हैं? दोस्तों, निम्नतम ऊर्जा वाली संरचना हम कहते हैं जिसके परमाणुओं पर कम से कम फॉर्मल आवेश हो। यानी कि एक बात मेरे को बताओ, सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ है कोई पहलवान, ये खड़ा है एक पहलवान, ये खड़ा है। अगर ये पहलवान मोटा है, ये पतला है, तो ये इस पे शक्ति जमाएगा, ये कमजोर है बेचारा। इसी प्रकार से मान लीजिए आप, ये एक आपके पास कोई अलग परमाणु हुई, ये अलग परमाणु हुई, कोई अलग पदार्थ ले लीजिए, उसमें क्या है, सबसे निम्नतम मतलब सबसे निम्नतम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऊर्जा। निम्नतम ऊर्जा कब खर्च होगी? जब न ये बड़ा होगा न ये बड़ा होगा, दोनों बराबर ही होंगे, भले ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन बराबर है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। तो निम्नतम कब होगा यहाँ पे समझ लीजिए आप, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा होना, जिस परमाणु में सबसे कम फॉर्मल आवेश हो, यानी जिसमें सबसे कम फॉर्मल आवेश हो, तो इसका पॉजिटिव इतना ज्यादा नहीं, इसका नेगेटिव इतना ज्यादा नहीं, तो सबसे कम हो गया तो लड़ाई होगी नहीं। इस प्रकार से तरंग संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों, प्रति इकाई लंबाई के तरंग दैर्ध्य को तरंग संख्या कहते हैं। यानी कि कोई क्षेत्रफल है ये, इसमें जितनी इकाई लंबाई की जो प्रकाश निकल रखा है आपका, तरंग दैर्ध्य निकल रखी है, उसे हम तरंग संख्या कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कक्षक सबसे स्थायी स्थिति के संगत होता है? दोस्तों, 1s ही तो होता है, ये इसका अभिविन्यास होता है, 1s कक्षक होता है जो सबसे कम स्थायी स्थिति में संगत होता है। तो अगला प्रश्न अपना है, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं? दोस्तों, प्रभावी नाभिकीय आवेश, सिंपल सी बात, रटने की कोई बात ही नहीं है। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन कब आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है? जब या तो इलेक्ट्रॉन आए तो प्रतिकर्षित हो जाता है, ठीक है, और अगर मान लो इसके सामने पॉजिटिव आयन आता है तो ये आकर्षित होता है। तो आपके पास कितना धनावेश है? जितना आपके पास धन होगा उतना ही तो इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर आकर्षित होगा। अगर आपके पास पर्सनली देखो धन है तो सभी लोग आपसे आकर्षित होते हैं, तो जितना धनावेश आपके पास होगा नाभिक के पास, उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। सिंपल सी बात है, याद हो गया। समरंश किसे कहते हैं? दोस्तों, समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समरंश कक्षक कहते हैं। इन्होंने सिर्फ समरंश लिखा है, इनका पूरा नाम होता है समरंश कक्षक, कक्षक कक्षा भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिखा होगा, जैसे सोडियम का होता है 1s, 2s, 2s, 2sp, इस प्रकार से कक्षक होता है, SpD कक्षक होते हैं, F भी आता है इसमें।
ये होता है परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है, कौन सी कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उस प्रकार से इनको हम डिवाइड करते हैं, उस प्रकार से लिखते हैं। आप बाउ शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? आप बाउ शब्द का अर्थ होता है निर्माण होना किसी प्रकार का। अगर इनको देखी जाए तो आप बाउ को हम कहते हैं फॉर्मेशन, इंग्लिश में देखे ना, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब निर्माण करना। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को चार क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, यानी चार क्वांटम संख्या जो है एक समान नहीं हो सकती। यह सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? यह सिद्धांत दिया था पाउली ने। पाउली को इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप, ये पाव ग्राम का, भाई 1 किलो का चार भाग करेंगे तो पाव हो जाएगा ना, तो पाव ग्राम में पाउली यानी कि चार भाग वो करते हैं अपन किसी भी परमाणु का, तो उसके पाव हिस्से में क्वांटम संख्या सेम नहीं रह सकती। उस प्रकार से पाउली आप याद रख सकते हैं। ये सिंपल बेसिक ट्रिक है, ऐसे कोई उसने वो नहीं है। अगला प्रश्न अपना है, बालफंग पाउली किस देश के निवासी? दोस्तों ये थे ऑस्ट्रिया के। सबसे पहले जर्मन रसायनज्ञ जॉन डाइवेराइनर ने इस बात का संकेत किया था कि तत्वों के गुणधर्म में निश्चित प्रवृत्ति होती है। इन्होंने किस सन में किया था दोस्तों? ये किया था इन्होंने 1800 दशक में। और मैं बात करूं मैं तो इन्होंने कहा यह था कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनकी निश्चित प्रवृत्ति होती है। इनके मतलब समझे आप? यानी जैसे मान लो कोई भी तत्व ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैं सोडियम ले लेता हूँ, एक प्रकार से Na है मेरे पास, ये क्या है सोडियम। अब अपन को सोडियम से, ये तो बेसिकली तो केरोसिन में रखा जाता है, बाहर निकाले आग ले जाते, लेकिन इसको अपन Na और Cl बना देते, ये क्या है अपना सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब क्या होता है, ये अपना नमक ही तो है। अब इसको अपन खा भी सकते हैं, केरोसिन रखने की जरूरत भी नहीं। तो समान आपके गुणधर्म होते हैं, उसमें कुछ कुछ चीजें निश्चित प्रवृत्ति की होती है हर तत्व के अंदर, ये बात उन्होंने बताई थी। उसके बाद में अध्ययन हुए थे, उसके बाद में अलग अलग चीजें निकल के आई थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगला प्रश्न अपना है, किसने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु नियम किसने प्रस्तुत किया था? द्रव्य का परमाणु नियम किया था जॉन डाल्टन ने, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, केमिस्ट्री में थे ये। क्वांटम के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? प्लांक जो है, प्लांक का क्वांटा सिद्धांत पढ़ा होगा केमिस्ट्री में सबने। अनिश्चितता का सिद्धांत किसे कहते हैं, किसने दिया था दोस्तों? अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था वानर हाइजेनबर्ग ने। तो आज के 20 प्रश्न अपने ये समाप्त होते हैं। इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके आप पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ में समझ नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, दोबारा आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ये हमारी एक नई पहल है और बहुत अच्छी तरीके से चल भी रहा है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। राजस्थान जीके कैप्सूल, राजस्थान जीके के क्षेत्र में अगनों का प्रयोग। दोस्तों कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि यहाँ पर जीके कैप्सूल में अपन प्रश्न करते थे, प्रश्न जो थे वो रिपीट हुए जा रहे थे, बार बार वो प्रश्न आ रहे थे जो पहले हमने कर लिए हैं। कारण उनका ये था कि डेटाबेस में जो हमारे प्रश्न सेव हैं वो प्रश्न ही उसी प्रकार से सेव है कि उनमें बार बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। इसीलिए आज से आपको हमने एक नया तरीके का डाटाबेस क्रिएट किया है, उसके लिए हमें समय भी लगा है। अब जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो प्रश्न रिपीट नहीं होंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कारण ये है, अब बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। पिछले वाले जो प्रश्न थे वो कुछ अलग टाइप के थे, अब आज आप इस लेक्चर में देखना ये जो प्रश्न है ये पिछले वाले प्रश्नों से भिन्न है, और ये भी अच्छी तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, राजस्थान जीके कैप्सूल, राजस्थान जीके के क्षेत्र में कणों का प्रयोग। पहला प्रश्न आज का हमारा है, राजस्थान का पहला भाग परियोजना क्षेत्र टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का पहला भाग परियोजना क्षेत्र जो है वो रणथंबोर में है। रणथंबोर जो है, रणथंबोर सवाई माधोपुर जिले के अंदर पड़ता है। रणथंबोर की सबसे बड़ी खास बात ये भी है, अगर आप इतिहास में जाएं तो आपको मिलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंबोर के ऊपर ही अटैक किया था। और उस समय में रणथंबोर का राजा कौन था? उस समय में रणथंबोर का राजा राजा हम्मीर था। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को कनेक्ट कर पाए। दूसरा प्रश्न अपना, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसे नेशनल पार्क कहते हैं हम, वो भी रणथंबोर में ही है। Bird on a tree. I'm just sitting here.
I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.